नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत टुडे और आज हम मौजूद हैं दिल्ली के सीपी पे। तो चलिए जानते हैं दिल्ली की जनता से अब की बार किसकी सरकार। मैं झारखंड से आया हूँ, झारखंड वो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका जहाँ से मैं आया हूँ, ठीक है। उस एरिया में जितने भी काम हुए हैं, चाहे उज्ज्वला योजना का हो या फिर आपके विद्युतीकरण का हो या फिर शिक्षा का हो, अच्छी उन्नति सड़कें बनी है। आप जा करके झारखंड में आपके वहाँ भी रिपोर्टर्स होंगे, उनसे पूछो जितनी वहाँ मोदी सरकार के काम हुए या फिर झारखंड सरकार के जो काम हुए वो सब बेहतर है। और मैं अभी पूरे भारत की यात्रा पर हूँ, पूरे भारत की यात्रा पर हूँ और पूरे भारत में मैं घूम घूम करके देख रहा। आप अभी देखो, चाहे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, जहाँ भी सरकारें बदली हैं, सब लोग रो रहे हैं कि मैंने भाजपा को नहीं दिया, ठीक है। सब लोग रो रहे हैं। मैं अभी आप मेरे साथ चाहे मध्य प्रदेश चलो, वहाँ जा करके पूछो कि भाई मामा जी को तुम लोग क्यों हराए। बोले भैया सबसे बड़ी मेरी दुर्गति हुई कि मैं उनको वोट नहीं दिया और कांग्रेस का भी नहीं दिया, मैंने नोटा में दबा दिया, ये सबसे बड़ी हमारी गति हुई, ठीक है। बीजेपी की वोट कहीं नहीं गई है मैडम जी, बीजेपी की वोट कहीं नहीं गई, वो केवल लोग अंतर्द्वंद में पड़ करके और वो जाकर के नोटा में डाल दिया। ऐसा थोड़े है कि बीजेपी की वोट कांग्रेस में पलटी कर गई, कभी नहीं कांग्रेस में पलटी करी है और न कभी करेगी। जो उसका बेस वोट है सदैव उसका बेस वोट रहेगा और मोदी सरकार अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार, 400 पार, देखते हैं कि आगे की जनता क्या कहती है। हम तो कह रहे कांग्रेस कोई काम नहीं कर रही, राजस्थान में भी गलती से वो कांग्रेस जीत गई, तो गलती किससे हुई है? सुनो सही पंडित जी, मेरी बात को आप बोल लेना। जनता कांग्रेस जब वहाँ पे काम बीजेपी ने करा, जब तो गलती सब सारे बेवकूफ़ है जनता। जब काम होगा मैडम, मैं आज बता दूँ काम जो होगा, सुनो जो मेरी बात सुनो भाई, काम होगा तो सरकार मैं भी मोदी को वोट दूंगा। जब काम नहीं होगा तो बच्चों को बड़े भाई क्या रोजगार, जंतर मंत्र पे चले जाओ। तुम रोजगार देने वाले हो ना, तुम जंतर मंतर पे चले जाओ, मैं तुम गाड़ी भरवा दूंगा तुम्हारे को। अभी एक हफ्ते की बात है, लाल किले से रैली गई थी, सुनो, लाल किले से रैली गई थी जंतर मंतर के लिए। 1000 से ज्यादा रोजगार वहाँ लड़के आए हुए थे, कहाँ के थे, कौन से इलाके के, क्या करते, बेचारे पढ़े लिखे हुए लड़के जिन्होंने पढ़ाई कर रखी थी, वो बेवकूफ़ है, उन्हें रोजगार दोगे तो चलो मेरे साथ गाड़ी में, मैं भरवा दूंगा आपको रोजगार के लिए। गाँव में मैं गाँव की हालत बताता हूँ, आज आपने सर्वे करो गाँव में, ईपी चल रहा है, एमपी चले जाओ, कह रहे तुम कहीं पे चले जाओ, सरकार के बारे में पूछ के देख लो सरकार ने क्या करा है। आपको क्या लगता है अगली सरकार किसकी? मोदी को 100 से ऊपर सीटें नहीं मिलेंगी, मोदी सरकार गई। इस राज में इंसान से ज्यादा कीमत गाय की होगी। राजस्थान के अंदर मॉब लिंचिंग हुई थी, पहलू खान मारा गया था, वहां की संवेदनहीन पुलिस गाय को पहले गौशाला में छोड़ने गई, वो मजलूम वो कह पाए उसको बाद में हॉस्पिटल पहुंचाया है। कि मोदी ने 5 साल में कुछ नहीं किया, आप क्या कहेंगे? नहीं, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, वैसे हर आदमी जो योग्य है उनको सबको नौकरी भी मिला है, सबको मिल रहा है, लेकिन जो जनसंख्या ज्यादा बढ़ा रहे हैं, बच्चे ज्यादा कर रहे हैं, तो उनको नहीं तो पढ़ाई मिल सकेगी सही तरीके से, वो बेरोजगार तो रहना ही, जो अनपढ़ आदमी जो बेवकूफ है, 10-10, 12-12, 15-15 बच्चा पैदा करेंगे तो रहेंगे बेरोजगार। तो बेसिकली आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट राइट नाउ, आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। लोग ये कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है, मुझे इनसे आपसे पूछना आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैं 10+2, आज अगर मैं मार्केट में जाऊँ तो मेरी वैल्यू 20,000 रुपये, मुझे कोई 20,000 की जॉब हंसते मिल जाएगी क्योंकि मैंने काम किया है, मेरे पास स्किल्स है। आपने अपने स्किल्स पर फोकस नहीं करा और आप कह रहे हैं कि बेरोजगार बहुत है। आप उनसे जाके पूछिए, उनको चाहिए उनकी क्वालिफिकेशन होगी, मुश्किल से ग्रेजुएट होंगे, कहेंगे हमें 50,000 चाहिए। अरे यार तुमने कुछ करा ही नहीं है अपनी सेकेंडरी में, पढ़ाई तुमने पूरी करी ही नहीं, मार्क्स है नहीं तुम्हारे पास, और कहते हो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है। अब अनएम्प्लॉयमेंट होती कैसी है, वो हम खुद क्रिएट करते हैं। तो ये थी हमारे साथ दिल्ली की जनता अब की बार किसकी सरकार पर। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नव भारत टुडे। मैं दिशा तोमर, कैमरा पर्सन वेदांशी के साथ। नव भारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।